हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यू नो, इट हैज़ अ वेरी गुड रेट इन इंडियन इकोनॉमी। बहुत अच्छी एक इंडियन इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो परसेंटेज मिलता है, एक पैसा मिलता है इकोनॉमी को डेवलप करने के अंदर, इकोनॉमी को मजबूत करने के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सामान को बनाना एक बहुत बड़ी मात्रा में, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है ना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? रॉ मटेरियल से कोई भी नया प्रोडक्ट हमें बना के दे देती हैं और एक बल्क में देती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में देती हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिएगा कि हमें शुगर चाहिए, सपोज कीजिएगा कि हमें कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा ये नहीं कि 1-2 मीटर कपड़ा बनाती हैं या 100-200 मीटर कपड़ा बनाती हैं, एक एक दिन में हज़ारों और लाखों मीटर कपड़ा वहाँ पे बनता है, वहाँ पे मिल्स होती हैं। तो जो बहुत बड़ा बल्क क्वांटिटी में जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसे एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं, शुगर फ्रॉम शुगर केन, जैसे कि हम शुगर केन से शुगर बनाते हैं, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ठीक है ना, कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं, पेपर फ्रॉम वुड, लकड़ी से हमें पेपर बनता है जो कागज़ होता है, हमारे काम आता है, और आयरन फ्रॉम आयरन ओर, और जो आयरन ओर होती है उससे हम क्या बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, ठीक है ना। अब नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की नीड क्यों है, ऐसा क्या मतलब क्यों नीड पड़ी मैन्युफैक्चरिंग की? तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ से नापी जाती है, कि हाउ मैनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ए कंट्री हैज़, कितनी वहाँ पे हैं, कितनी ज़्यादा हैं, तो उससे माना जाएगा कि वो कंट्री कितना डेवलप है, कितना टैक्स जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक अर्थव्यवस्था होती है, किसी देश की इकोनॉमी होती है, उसकी एक बैकबोन होती है, उसकी एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना। जैसे कि बॉडी में हमारी रीढ़ की हड्डी काम करती है, मेन हड्डी होती है, अगर बैकबोन नहीं है हमारे बॉडी के अंदर तो हम सही प्रकार से खड़े नहीं हो पाएंगे और बैठ नहीं पाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बॉडी की वो नहीं हो पाएंगी और बहुत जल्दी ही इंसान जो है डेथ की तरफ चला जाता है। तो ऐसे ही जो इंडियन इकोनॉमी की नहीं बल्कि किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी है तो वो किसके बलबूते पे होती है, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की कितनी संख्या है, कितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इस बात पे डिपेंड करती है। सेकंड है, दे रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। देखो, जो कृषि की हम बात करते हैं, इससे पहला चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर ही रहा है। एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा है कि हमारी जो जनसंख्या है उसका लगभग 2/3 पार्ट, मतलब 2/3 हिस्सा वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आने से जो उसकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है वो कम होती है, क्योंकि इसको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जाके काम करता है, एक फर्स्ट क्लास से लेकर के 4th क्लास तक का जो एम्प्लॉय होता है वहाँ पे जाके वर्क करता है, उसको वहाँ से अपनी इनकम मिलती है। तो होता क्या है कि उसकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम होती है। प्रोवाइडिंग जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं भाई, कोई भी बड़ी सी यूनिट होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी जिस पे करोड़ों रुपये से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, जो मेजर स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं तो उसमें हज़ारों एम्प्लॉय काम करते हैं, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हज़ारों परिवार, एक परिवार में अगर हम टोटल 4 लोग भी मानते हैं तो लगभग 4,000 लोगों का जीविका का काम चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब जो मैन्युफैक्चर्ड वहाँ पे सामान बन रहा है, सपोज वहाँ मेडिसिन बन रही है, सपोज वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बन रहा है बाइक का, सपोज वहाँ पे हेलमेट बन रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है ना। तो ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज आ गया, देखो वही पॉइंट नेक्स्ट, ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है। इराडिकेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है ये जो पुअर्टी होती है, जो गरीबी होती है, उसको क्या करती है, कम करती है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को हटाएगी। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस। और ऐसे देश जो अपने रॉ मटेरियल को एक अच्छे फर्निश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो आज की डेट में डेवलप्ड होते जा रहे हैं। वो डेवलपिंग कंट्रीज से कहाँ बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड होते जा रहे हैं। सपोज कीजिए वी हैव सुगर केन इन इंडियन एग्रीकल्चर लैंड, बट वी डोंट हैव सफिशेंट सुगर मील्स। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुगर मील्स नहीं है, हमारे यहाँ पे खेतों में गन्ना होता है, तो हम उस सुगर केन से उस सुगर केन को सुगर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, हमारे देश में खुशहाली नहीं आ पा रही है। मतलब वी हैव प्रोस्पेक्ट्स बस, बट वी डोंट हैव रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उसको कन्वर्ट करने के। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या काम करती है, जिस भी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की संख्या ज़्यादा होती है, जो रॉ मटेरियल को एक अच्छे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है, वो कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हमने बात कर दिया ये तो इंडस्ट्रीज के बारे में कि इंडस्ट्रीज की नीड क्यों है किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है ना, अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में आते हैं। देखिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कहाँ पे होनी चाहिए, कोई भी इंडस्ट्रीज कहाँ पे होना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। दो फैक्टर होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, एक होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर और एक होता है नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब वहाँ का जो भूमिगत ढांचा है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, एटमोसफियर है, वो कैसा है। तो वहीं पे आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो रॉ मटेरियल्स वहाँ पे आप सपोज कीजिए कि हमको किसी जगह पे सुगर मिल लगाना है। अब वहाँ जहाँ पे हम सुगर मिल की यूनिट खड़ी कर रहे हैं, सुगर मिल की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं, क्या वहाँ पे सुगर केन होता है उस एरिया में या नहीं होता है। अब हमने पहाड़ों में जा कर के सुगर मिल लगा दी, वहाँ पे सुगर केन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुगर केन को मंगाने के लिए ट्रांसपोर्ट पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्केट में वो महंगा जाएगा, प्रॉफिट कम आएगा, मार्जिन कम आएगा। मतलब जहाँ पे हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है उसका जो रॉ मटेरियल हमें मिलेगा वो हमसे कितनी दूरी पे मिलेगा, मेन बात ये है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने यूपी के अंदर कोई मिल लगाया और उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो यूपी में मिल सकता है, लेकिन हम ला कहाँ से रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ला रहे हैं, वेस्ट बंगाल से ला रहे हैं, हम महाराष्ट्र से ला रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वहाँ पे पानी है या नहीं है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी तो उसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो वहाँ पे पानी है या नहीं है वो डिपेंड करता है। गुड क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडा मौसम रहता है, गर्म रहता है, सपोज कीजिए कि बर्फ़ ही पड़ती रहती है हर टाइम, एम्प्लॉय काम ही नहीं कर पाता, ठीक है ना, तो उस इंडस्ट्री के लायक है भी या नहीं भी। तो ये तो होते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी इंडस्ट्री को लगाओगे तो वहाँ पे बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ बिजली हमें चीप मिलेगी, देर से मिलेगी, बहुत दूर से लानी पड़ेगी, ठीक है ना। चीप एंड स्किल्ड लेबर, देखिए कोई भी इंडस्ट्री हम खड़ी करते हैं तो वहाँ पे लगभग 70% जो होती है वो एक लेबर होती है, जो फोर्थ क्लास लेबर होती है, जो उस पर काम करती है। तो वहाँ पे क्या हमारे पास एक प्रशिक्षित, मतलब अच्छी, जिसको उस उद्योग की नॉलेज हो, उस इंडस्ट्री की नॉलेज हो, क्या इस टाइप की लेबर वहाँ पे है, वो सस्ती है या नहीं है, या हमें बहुत महंगी पड़ रही है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पे सड़कें कैसी हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टेलीफोनिक बातचीत करने की सुविधाएं कैसी हैं, क्या कोई अगर हमें कोई मैसेज वहाँ से कहीं दूसरी जगह पहुँचाना है वो इजीली जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है ना। मार्केट कैसी है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, उस प्रोडक्ट के उठान के लिए क्या वहाँ पे कोई एक्सपोर्टर आते हैं, क्या वहाँ पे उसके डीलर आते हैं परचेज करने के लिए, या वहाँ पे उसका कंज्यूमेबल जो कंज्यूम हो सकता है वो प्रोडक्ट, वहाँ पे ऐसी मार्केट है या नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है बैंकिंग सेक्टर से लेकर के, और उसके पास इनकम कितनी है, मतलब किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए वो आदमी कैसा है, अमीर है गरीब है, वो डिपेंड करता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पैसा, अगर पैसा है तभी आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा कर पाओगे। सूटेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्या वहाँ पे आपने कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो आप किसी प्रॉपर एरिया में, क्या वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ हो कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते आप। सपोज कीजिए इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो ऐसे एरियाज में किए जाते हैं जहाँ की जो ज़मीन होती है वो मतलब उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो फर्टिलिटी वाले लैंड पे ये इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया जाता है, तो हम वहीं पे उस इंडस्ट्री को जाके लगाएं। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी नई जगह पे जाके लगा दें और हमारा गवर्नमेंट चालान काट दे कि भैया खड़े हो जाइए यहाँ पे, चले जाइए, यहाँ पे आपने मेरी परमिशन से इंडस्ट्री को खड़ा नहीं किया है इसलिए यू कैन लीव फ्रॉम हियर, ठीक है ना। अब इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री के टाइप के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री के जो टाइप्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल के आधार पे होती हैं। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है और एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है, जैसे शुगर मिल हुआ, कॉटन मिल हुआ, ठीक है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पहले चैप्टर में मैंने बताया था एग्रीकल्चर वाले में, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता हो तो दैट इज़ कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है ना। मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड है रॉ मटेरियल के लिए, जैसे कि शुगर केन कहाँ से आता है, खेती से आता है। कॉटन कहाँ पे उगती है, खेतों में उगती है, ठीक है ना। सिल्क वर्म कहाँ पे उगता है, खेतों में उगता है। चाय की फैक्ट्री लगानी है तो चाय की पत्ती कहाँ उगती है, खेतों में उगती है। कॉफ़ी कहाँ उगती है, खेतों में उगती है। रबर कहाँ उगती है, खेतों में उगती है। तो दीज ऑल आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, उनका जो रॉ मटेरियल होगा क्या होगा, मिनरल्स होगा। मिनरल्स कौन से होते हैं, आयरन और कोयल, ठीक है ना। मतलब वो टोटली डिपेंड करती हैं, एल्यूमिनियम जो कन्वर्ट करते हैं हम, स्टील इंडस्ट्री जितनी भी डिपेंड होते हैं आयरन और पे डिपेंड होती हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल, कहाँ से आएगा, माइंस से आएगा, कोयल माइंस, आयरन और माइंस, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं मेन रोल क्या होता है, बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्री कौन सी होती है, बेसिक और की इंडस्ट्री वो होती हैं जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल तैयार करती है। सपोज कीजिए एक हीरो होंडा बाइक की कंपनी है, अब हीरो होंडा बाइक की जो कंपनी है जो हीरो होंडा बाइक को मॉडिफाई करती है या उसको मैन्युफैक्चर करती है उसकी, तो वो उसके स्पेयर पार्ट्स को खुद नहीं बनाती है बल्कि वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से उसके पार्ट्स को परचेज करती है एक टाइप के दौरान, और फिर एक अपने यहाँ पे उसको मोल्ड करती है एक बाइक को। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं जो किसी दूसरी इंडस्ट्री पे रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड होती हैं। तो ये होती हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज़। उसके बाद होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ का जो मैनुफैक्चर्ड गुड्स है, जो सामान बन के तैयार हुआ है, उसको कंज्यूम कौन करता है, कस्टमर करता है। जैसे कि साबुन हो गया, सोप हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है ना, चाय हो गया, ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो गई। इसके सामान को कौन खाता है, कस्टमर खाता है। अब आते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसे के आधार पे भी इंडस्ट्री को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पैसे के आधार पे कैसे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब 1 करोड़ से जो कम रुपये की लागत की इंडस्ट्री होती है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसमें 1 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है किसी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, वो आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। तो पैसे के आधार पे इनको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। उसके बाद आते हैं ओनरशिप, उसके ओनर कितने हैं, किस टाइप के ओनर हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। डिटेल में आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, मतलब रॉ मटेरियल का वेट हल्का है या भारी है। कहीं ऐसा नहीं, जो लोड करके ट्रक आता है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में कितना इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, ठीक है ना। जितने भी आयरन ओर पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो हैवी इंडस्ट्रीज में आती हैं। लाइट इंडस्ट्री में कौन सी आएगी, जैसे घड़ी बनानी है हमें, घड़ी की कीमत 5-6 हज़ार रुपये की होती है लेकिन छोटी सी होती है बहुत। स्पेयर पार्ट्स भी उसके हज़ारों घड़ियों के, मतलब जो बहुत सारी घड़ियाँ, लाखों घड़ियाँ बनाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी के अंदर उसका क्या सकता है, रॉ मटेरियल आ सकता है। तो ये होती हैं लाइट इंडस्ट्रीज। तो ये थे इंडस्ट्रीज के टाइप्स, उनके अलग अलग टाइप्स के आधार पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं
अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने अभी बात की थी पीछे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम रॉ मटेरियल के सोर्स के बारे में कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हमने दो भागों में इंडस्ट्रीज को बांटा था, एक थी एग्रो बेस्ड और एक थी मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में यूज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जहाँ पे एग्रीकल्चर से पैदा होने वाला रॉ मटेरियल यूज़ होता हो, जैसे कि कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड सुगर, टी, कॉफ़ी, ईटीसी, ये सारे जो मैंने अभी बताया था आपको डिटेल वाइज कि सारे के सारे प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं, ये सारे के सारे पैदा कहाँ हो रहे हैं, खेत में पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कहाँ से आता है, खेतों से आता है, एग्रीकल्चर लैंड से आता है। अब आते हैं मिनरल बेस्ड, मिनरल बेस्ड कौन सी है, यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल, जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, सीमेंट, सीमेंट के लिए क्या चाहिए होता है हमें पता है ना आपको, पत्थर चाहिए होता है। एल्यूमिनियम के लिए क्या चाहिए होता है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं जो माइंस में मिलते हैं। ये हमारे लैंड के अंदर हैं अवेलेबल, लेकिन इनको हमें जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में क्या चाहिए होता है, इनके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिससे हम इनको बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में ले सकें। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मैंने बताया था बेसिक की इंडस्ट्री, बेसिक की इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, मैंने बताया था कि जो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को किसी दूसरी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती हैं, जैसे कि हीरो होंडा के जो स्पॉइल्ड पार्ट्स हैं उसको एक इंडस्ट्री बनाती है, फिर वो हीरो होंडा बाइक जहाँ पे बनती है उसको स्पेयर पार्ट्स क्या करती है, उसको सेल करती है और उससे वहाँ पे फिर वो हीरो होंडा तैयार होती है, ठीक है ना। तो उसका बेसिक की इंडस्ट्री हुई कौन सी हुई, जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब क्या है। आयरन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आयरन एक बेसिक की इंडस्ट्री में आता है, आयरन ओर, ठीक है ना। देखिए आप आयरन से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो प्रोडक्ट है, कितने स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कितना सामान होता है जो आयरन से बनता है, ठीक है ना। तो पहले उसकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं स्मॉल स्केल पे, फिर उसको बहुत बड़ी यूनिट में डाला जाता है, वहाँ पे उसको सप्लाई किया जाता है, फिर और आगे जाती हैं। तो इस तरह से आयरन का एक बहुत बड़ा रोल होता है बेसिक की इंडस्ट्री में। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर्स, जहाँ पे कंज्यूमर के डायरेक्ट यूज के लिए प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि चीनी, टूथपेस्ट, पेपर, फैंस, ईटीसी, डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ कर रहा है उसको, कर रहा है नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसा कितना लगना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 crore देन इज नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैंने बताया था कि यदि इन्वेस्टमेंट जो 1 crore से कम है तो वो कौन से में आएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। रन बाई लेस नंबर ऑफ पीपल, एग्जाम्पल खांडसरी गुड़ ईटीसी, आपने देखा होगा जो ये चरखियाँ लगी होती हैं गुड़ की, है ना, लगी होती नहीं लगी होती हैं, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 crore देन इट इज़ नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यदि 1 crore से ज़्यादा खर्चा आ रहा है किसी इंडस्ट्री को खड़ा करने में तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। लेबर आर मोर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू कैन सी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है, बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में लेबर चाहिए होती है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे बात करते हैं, उसके कितने ओनर हैं, किस टाइप के ओनर हैं। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, एग्जाम्पल है भेल सेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इम्पोर्टेंट, बहुत ही मशहूर नाम है भेल और सेल। तो कुछ ब्रांड हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको गवर्नमेंट एजेंसीज चलाती हैं, तो उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर में। जैसे कि और क्या होते हैं, इंडियन ऑयल्स, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, तो ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आती होती हैं जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें कोई इंडिविजुअल बंदा या बहुत सारे इंडिविजुअल लोग इकट्ठे होकर के ग्रुप बना करके इंडस्ट्रीज को चलाते हैं,
तो उस इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़, टाटा, रिलायंस, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। इनके जो ओनर हैं उनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को वो टैक्स जरूर देते हैं, लेकिन वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना खुद का होता है, उनका खुद का मैनेजमेंट होता है। गवर्नमेंट उनमें कोई रोक टोक नहीं करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अधीन वो काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और दो सेक्टर हैं, हमने दो सेक्टर अभी पढ़े हैं, थर्ड और फोर्थ सेक्टर कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। ये सेक्टर है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर द इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ, जिसमें गवर्नमेंट के शेयर होते हैं, ठीक है ना, तो जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के चलाती हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये मिलजुल के चलती है। कोऑपरेटिव सेक्टर कौन से होते हैं? इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर और बोथ। मतलब रॉ मटेरियल वाला भी मिल जाता है इसके साथ, ठीक है ना, जो वर्कर होते हैं काम करने वाले वो भी मिल जाते हैं कि भैया मेरा भी हिस्सा कर ले, ठीक है ना, और जो सप्लायर्स होते हैं आगे बेच के जाने वाले मार्केट में सामान को, वो भी उसमें कह देते हैं कि भैया मेरा भी हिस्सा कर ले। मतलब वो सबके सब पार्टनर बन जाते हैं, काम करने वाला भी, सप्लाई करने वाला भी, जिसके पास रॉ मटेरियल होता है वो वाला भी। तो ऐसे सेक्टर कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर। दे पूल इन द रिसोर्सिस एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस प्रोपोर्शनेटली, मतलब अपने अपने हिस्से के हिसाब से वो अपना हिस्सा बांट लेते हैं। जिसका जितना इन्वेस्टमेंट है, सपोज किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया है, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 30% हिस्सा ले लेगा, किसी का 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 20% हिस्सा ले लेगा, किसी का 50% का हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो 50% हिस्सा प्रॉफिट ले लेगा उसका। तो जैसा जिसका इन्वेस्टमेंट होता है वो वैसा प्रॉफिट उसका ले लेता है। जैसे कि सुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन केरला, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी सुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आती हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में आती हैं। और कोयर इंडस्ट्री क्या होती है? कोयर इंडस्ट्री होती है जो जूट की इंडस्ट्री होती है, केरला के अंदर जूट इंडस्ट्री होती है, जूट से जैसे मैट बनती है, रस्सी बनती है, रोप बनती है, ठीक है ना, तो एक कोर इंडस्ट्री होती है। तो ये किस में आती है? कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, मैंने अभी बात की थी कि रॉ मटेरियल्स का जो वेट है वो कैसा है, उस पे जो डिपेंड करती हैं, तो वो होती है हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज यूज हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस हैवी मटेरियल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्री में आती हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सामान बनता है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लाइट इंडस्ट्री में कौन सी आती है? लाइट इंडस्ट्री यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट मटेरियल्स, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैंस, वॉचेस, सीविंग मशीन, ETC, ठीक है ना। तो ये आती हैं लाइट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए रस्सी बन रही है, जूट उद्योग है, ये कॉटन पैदा हुआ है खेत में, फिर इसको यहाँ पे इसका तैयार किया जा रहा है, फिर यहाँ पे ये मिल है, कपड़ा बन रहा है, यहाँ पे ये कपड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं जो अपने रॉ मटेरियल्स के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो कॉटन टेक्सटाइल है, यानी जहाँ पे सूत का कपड़ा बनता है, ठीक है ना। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई इन 1854। सबसे पहली जो कॉटन टेक्सटाइल मिल बनाई गई थी मुंबई में, वो 1854 में बनाई गई थी। द कॉटन टेक्सटाइल इज मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। क्यों? उसके कारण बताया गया ये। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन एज ब्लैक कॉटन सोयल इज प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ पे जो रॉ कॉटन है, जो कॉटन मिलता है वो ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि इसकी पैदाई वहीं पे होती है। जो रॉ कॉटन पैदा कहाँ होता है? ब्लैक सोयल में होता है। और ब्लैक सोयल कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र एंड गुजरात में। तो गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटीज़, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, और वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं। पोर्ट मतलब बाई वाटरवेज भी आप सामान को इधर से उधर सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो टोटल का टोटल क्या है? समुद्री एरिया है।
अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वहाँ पे इसके लिए लेबर मिल जाती है। गुड मॉस्ट क्लाइमेट, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो मॉस्ट क्लाइमेट है। और मेन एक्सपोर्ट्स जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इटीसी। और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता है, जो कॉटन का, जो कॉटन का रॉ मटेरियल भी जो एक्सपोर्ट होता है, या फिर कॉटन बनने के बाद जो कपड़ा बनता है, ठीक है ना, वो जो सप्लाई होता है तो वो इन कंट्रीज़ में होता है। कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मेथड्स इन इंडिया। और कॉटन टेक्सटाइल 3 तरीके से इंडिया में बनाया जाता है, जो कपड़ा बना कॉटन से कपड़ा बनता है वो कौन कौन से हैं? हैंडलूम, पावर लूम्स एंड मिल्स। हैंडलूम्स तो क्या है, घर पे ही आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारी औरतें थी, जो महिलाएं थी हमारी, घर पे ही एक क्या करती थी, उन्होंने छोटी छोटी यूनिट लगा रखी थी कपड़ा बनाने के लिए। मैंने खुद देखा है, आज से 10-20 साल पहले हमारी जो माताएं बहनें होती थी, वो खाली समय में, दोपहर के समय में, गर्मियों में स्पेशल, वो अपने कपड़े उपड़े बनाते रहती थी घर पे ही, अपने जो घर पे उनको यूज़ करने होते थे, ठीक है ना। पावर लूम्स एंड मिल्स, पावर लूम्स इससे बड़ी यूनिट हो गई थोड़ा, और मिल्स बहुत बड़ी यूनिट हो गई। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व गिनिंग, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट। कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है, कई स्टेप होते हैं। देखो कॉटन टेक्सटाइल मिल में सबसे पहले क्या होगा, वो गिनिंग होगी, स्पिनिंग होगी, कपड़ा पहले जो कॉटन होता है, ठीक है ना, उसको बढ़िया कॉटन उसमें से छांटी जाएगी, फिर उसको धागा बनाया जाएगा, ठीक है ना, स्पिनिंग बनती है, फिर वेविंग बुनाई होगी उसकी, फिर डाइंग उसको कलर करेंगे, डिजाइनिंग होगा फिर उसके ऊपर, टेलरिंग सिलाई होगी उसकी, स्टिचिंग होगी, पैकेजिंग टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स, जो हमने कपड़ा बनाया है, तैयार किया, उसको पैकेजिंग किस तरीके से किया है हमने, तो वो मैटर करता है। तो देर आर सो मैनी स्टेप्स टू प्रिपेयर द रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम द कॉटन। नेक्स्ट आते हैं, वेट अ मिनट, चलिए आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बनाता हूँ आपके लिए। और तो आई होप कि आप इसको, यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, आप इसको बड़ी ही केयरफुल्ली, पीसफुल्ली तरीके से इसको वीडियो को देखेंगे, इसको समझेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।